हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीरीज के फोर्थ प्रोग्राम को देखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है ये। अगर आपने सीरीज से रिलेटेड पहले के प्रोग्राम्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप वो प्रोग्राम देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। आज का ये प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें कुछ फैक्टोरियल का केस यूज हुआ है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम इस सीरीज के लॉजिक को समझते हैं कि कौन सा लॉजिक यूज हो रहा है इसमें। तो देखिए, ऐसे एक वेरिएबल है जिसमें हम इस पूरी सीरीज को कैलकुलेट करके स्टोर कर देंगे रिजल्ट। अब ये वन एक्चुअली वन का फैक्टोरियल ही है, और बिल्कुल प्रॉपर टर्म अगर मैं इसको लिखूं तो ये है वन अपॉन वन फैक्टोरियल। तो वन का फैक्टोरियल वन ही होता है। अगर आपको फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैंने फैक्टोरियल के टॉपिक पर भी एक वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं फैक्टोरियल का मतलब बता देता हूँ। अगर 4 का फैक्टोरियल है, इट मीन्स हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 तक। तो 4 × 3 × 2 × 1, तो ये 4 का फैक्टोरियल होता है। 3 का फैक्टोरियल होगा 3 × 2 × 1। 5 का फैक्टोरियल होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। तो अब इस सीरीज का लॉजिक देखते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमारा न्यूमरेटर फिक्स है जो कि 1 है, तो हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है। तो यहाँ पर हमें एक n की वैल्यू इनपुट करनी पड़ेगी जो हमारी लास्ट टर्म की वैल्यू होगी। सपोज अगर हम n में इनपुट करते हैं 5, तो ये 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, और फिर हमारी जो लास्ट टर्म होगी वो होगी 1/5 फैक्टोरियल। ये हमारी यहाँ तक कैलकुलेट हो जाएगी। अब हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम इस फैक्टोरियल को भी कैलकुलेट कर लेंगे और फिर इसे फ्रैक्शन में ला के सीरीज को कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए सीरीज का प्रोग्राम देखते हैं, उससे हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे java.io पैकेज को इंपोर्ट किया है और फिर java.util पैकेज को इंपोर्ट किया है। क्लास का नेम रखा है सीरीज 4 और फिर मेन मेथड को डिफाइन किया है। स्कैनर क्लास से हम इनपुट लेंगे और स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट रखा है इन। कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन किया है जो कि है इंटीजर टाइप के, और एक वेरिएबल को डिफाइन किया है जो कि है डबल टाइप का, और उसको इनिशियलाइज कर दिया है हमने 0 से। n हमारा वो लास्ट टर्म की वैल्यू इनपुट करने के लिए है, i और j हमारा लूप के लिए है, और f हमारा फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए है। तो n में सपोज हम वैल्यू इनपुट कर देते हैं 5, तो अब हमारे जो ये फॉर लूप है इसमें पूरा कॉन्सेप्ट यूज होगा और इसी फॉर लूप से हमारा लॉजिक बनेगा प्रोग्राम का। तो फॉर i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल्स टू n और i++, ये हमारी कंडीशन है। ये स्पेशली डिनोमिनेटर के लिए ही है, वो कैसे मैं आपको अभी बताता हूँ। f हमने यहाँ पे 1 से इनिशियलाइज कर दिया है। अब i की वैल्यू 1 है तो f की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई। अब j लूप रिवर्स चल रहा है, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो j की वैल्यू i के बराबर होगी। j इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा और j -1 से डिक्रीज करेगा। तो f इक्वल्स टू f इंटू j, इसमें हम फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर लेंगे। तो फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट होगा, सपोज यहाँ पे वैल्यू है f में 1 है अभी, तो अभी i की वैल्यू 1 है तो j इक्वल्स टू i और j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये अभी एक ही टाइम चलेगा तो 1 × 1 हो जाएगा। सपोज यहाँ पे वैल्यू होती i की 5, जो कि हमारी लास्ट टर्म है जो हम कैलकुलेट करके देखेंगे। तो यहाँ पे f कैसे कैलकुलेट होता, f सबसे पहले तो 1 हो जाता और उसके बाद j इक्वल्स टू i की वैल्यू है 5, तो j इक्वल्स टू 5 होता और j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता और j -1 होता, ये कंडीशन होती। तो f अभी 1 है तो f इंटू j, तो 1 × 5 हो जाता। अब ये लूप दोबारा एग्जीक्यूट होता लेकिन j की वैल्यू डिक्रीज हो जाती, j की वैल्यू i से इनिशियलाइज थी 5 थी, अब ये 4 हो जाती, तो f में अब इंटू 4 होता, तो f की अपडेटेड वैल्यू हो जाती 1 × 5, दैट इज 5, और इसमें इंटू 4 हो जाता। फिर i की वैल्यू 3 होती तो इस टोटल टर्म में 3 मल्टीप्लाई होता, फिर 2 हो जाता, और फिर j की वैल्यू 1 ही हो जाती,
और फिर ये 1 मल्टीप्लाई हो जाता और ये हमारा 5 का फैक्टोरियल हो गया। तो ऐसे फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा। मैं आपको ये बार बार कैलकुलेट करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो अब देखते हैं ये कैसे कैलकुलेट होगी सीरीज। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एस लिख देता हूँ जिसमें हमारी सीरीज कैलकुलेट हो रही थी। तो आई इक्वल्स टू एन, आई इज लेस देन इक्वल्स टू एन, आई प्लस प्लस, ये हमारी कंडीशन है। तो आई की वैल्यू जब 1 है तो एफ की वैल्यू अभी यहाँ पे 1 हुई और फैक्टोरियल कैलकुलेट होके हो जाएगा इसमें 1। तो एस इक्वल्स टू एस प्लस, एस की वैल्यू अभी इनिशियलाइज 0 से है, तो 0 प्लस ये जो कैलकुलेट होके आएगा ये टाइप कास्ट ऑपरेटर से डबल टाइप का हो जाएगा जो एस में स्टोर हो जाएगा। तो 1 बाय एफ दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस, अब आई की वैल्यू इंक्रीज होगी और 2 हो जाएगी। तो एफ इक्वल्स टू 1, यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा जो कि होगा 2 इंटू 1। तो यहाँ पे अब एस में ही प्लस हो जाएगा 1 बाय एफ दैट इज 2 का फैक्टोरियल दैट इज 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। अब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी और इसमें 3 का फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा जो कि होगा 3 इंटू 2। अब मैं इसको इलेबोरेट करके नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल लिख देता हूँ। तो यहाँ पे इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इस टोटल टर्म में प्लस हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल। सेम जब आई की वैल्यू 4 होगी तो फिर 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा और फिर इसी में ऐड हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल। और क्योंकि n की वैल्यू 5 है तो i इज लेसर देन इक्वल्स टू n है, तो अब लास्ट टर्म होगी 5, तो 1 अपॉन 5 का फैक्टोरियल यहाँ पे टोटल स्टोर हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद s में एक वैल्यू आएगी जो कि होगी एक फ्रैक्शन टाइप की, इसलिए हमने ये डबल टाइप का लिया है और फिर हम उसको प्रिंट कर देंगे। यहाँ हमारा मेन मेथड क्लोज होता है और यहाँ हमारी क्लास क्लोज होती है। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा और आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई भी डाउट या सजेशन है तो आप कमेंट कीजिए, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर सीरीज का प्रोग्राम चाहिए तो आप उस सीरीज को कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप ब्रैकेट्स रिमूव कर दीजिएगा। ब्रैकेट्स अगर आप यूज़ करोगे तो प्रोग्राम का आउटपुट गलत आएगा। तो आइए अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। वैल्यू इनपुट करते हैं 5, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया 1.7166 एंड सो ऑन। अगेन रन करके देख लेते हैं एक बार। तो 8 इनपुट किया तो हमारा रिजल्ट आया 1.718 एंड सो ऑन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। अगर आपको जावा से रिलेटेड प्रोग्राम के सोर्स कोड या एल्गोरिथम चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट bluejcode.blogspot.com पे जाकर विजिट कीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तो आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ मैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।